सो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय फिलेसी चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक न्यू स्टैम्प के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नेम है एनिवर्सरी ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन इंडिया स्टैम्प। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिवर्सरी ऑफ द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन इंडिया स्टैम्प। ये रिलीज कब हुआ था? 17 नवंबर 2008 को ये स्टैम्प रिलीज किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इसका मैं प्राइस का बात करूँ तो इसका एक्चुअल प्राइस पहले 5 रुपया था और अभी इसका प्राइस 120 हो गया है, तो डिफरेंस अभी 115 का है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि ये स्टैम्प क्यों निकला था, कैसे आप इस स्टैम्प को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग स्टैम्प में इन्वेस्ट करते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई दोस्तों, आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे करना है सब कुछ इसमें बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस, पहले इसका प्राइस 5 रुपया था और करंट प्राइस अभी 120 है और डिफरेंस निकालने पे 115 आता है। दोस्तों, हमेशा स्टैम्प का प्राइस अप होता है, तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो स्टैम्प है ये कहाँ रिलीज हुआ था? इंडिया में रिलीज हुआ था। सेट टाइप स्टैम्प है। कब रिलीज हुआ था? 17 नवंबर 2008 को ये रिलीज हुआ था और स्टैम्प कंडीशन न्यू है। दोस्तों, ये स्टैम्प इसलिए रिलीज हुआ था जो ये 150th एनिवर्सरी ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन इंडिया, जब 150 साल इसका हुआ था, इसके अवसर पे, इसके ओनर पे ये स्टैम्प को रिलीज किया गया था। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टैम्प को आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे इस स्टैम्प को बाय करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे और उसमें आप लोग सर्च करेंगे फिलेसी.com। इस तरह से फिलेसी.com सर्च करेंगे, फिलेसी.com, और फिलेसी.com सर्च करने के बाद यहाँ पे आप लोग सर्च बॉक्स में जाएंगे तो आप लोग को स्टैम्प का नेम सर्च करना होगा। यहाँ पे स्टैम्प का नेम मैं सर्च करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन इंडिया स्टैम्प आ गया है। चलिए मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसका है, यहाँ पे प्राइस बताया हुआ है, 120 इसका प्राइस है डिस्काउंट के बाद, पहले इसका 160 प्राइस था। दोस्तों, वो डिस्काउंट करने के बाद 120 हो गया है, तो आप लोग जब ऑर्डर करेंगे तो आप लोग को 120 पे करना होगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, उसके बाद आप लोग को क्या करना है मैं बताता हूँ। आप लोग को यहाँ पे करना है ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी, आप कितना क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, आप लोग को यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू चेकआउट पे आप क्लिक करते हैं तो आप लोग का यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स फिल करना होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस। तो आप लोग इसको केयरफुली फिल करें और ये जब आपका ऑर्डर यहाँ पे ले लिया जाएगा, जब आप लोग ये फिल कर देंगे उसके बाद आप लोग यहाँ पे प्रोसीड टू पेपल पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू पेपल पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन यहाँ पे है, आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन देके पेमेंट कर दें। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग इस स्टैम्प को परचेज कर सकते हैं और आप लोग अपने घर तक मंगवा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आपके घर तक इसको पहुंचाएंगे अच्छे से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।